हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग तीसरा टॉपिक कर रहे हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर का, और तीसरा टॉपिक जो है ना ये है कि वेरिएशन ऑफ जी क्या होता है। भाई जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वेरी करती है, ये फिक्स नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपने देखो फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। क्या था फॉर्मूला, याद है? जी इज इक्वल टू था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आर को मैं स्मॉल आर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये दूरी कुछ भी हो सकती है, अगर अर्थ सर्फेस की बात होती तो कैपिटल आर लिखता, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ की बात चलती। ओके, खैर ये हमारा फॉर्मूला है। अब सोचो, तो हमने लिखा है कि अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ भी ये जी क्या होता है, वेरी करता है। सोचो अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, इक्वेटर पे मतलब इस लाइन पे। आपको पता है अर्थ जो है वो गोल पूरा नहीं है, परफेक्ट गोल नहीं है, ठीक है, स्फीयर नहीं है। तो ये क्या है, दबा हुआ है, ऐसे चिपटा है, ठीक है। तो चिपटा है तो क्या होगा, ये वाली जो दूरी होगी मतलब आर ई जो होगा वो बड़ा होगा, कैसे, पोल से। देखो रेडियस अगर हम पोल से लें सेंटर की दूरी, तो ये जो है ना आर पी ये छोटा होगा किससे, इक्वेटर से। इक्वेटोरियल लाइन जो रेडियस होगा वो बड़ा होता है। तब सोचो कि अगर डेनोमिनेटर में कोई चीज़ बड़ा आ जाए, सोचो जी जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिख रहा है ना फॉर्मूला में, देखो ना नीचे है, ये नीचे लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू घट जाती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। बताओ ये बड़ा है तो ये वैल्यू क्या होगी, छोटा होगी। तो मैं बोलूँ कि जी ई जो है, क्यों, क्योंकि रेडियस अगर इक्वेटर का बड़ा है तो जी क्या होगा उसका, छोटा होगा, ठीक है, और पोल का क्या होगा, बड़ा। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटोरियल पोजिशन हमेशा क्या होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू पोल। पोल पे अगर आप जाओगे तो ग्रेविटी आपको ज़्यादा महसूस होगा। मतलब किसी चीज़ का वेट अगर चेक करें ना, तो यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, सेम चीज़ का। जैसे मैं मान लूँ कि मैंने लिया है कि 5 किलो का एक सामान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो मान लो हमको दिखाई देगा कि 50, या हम यहाँ बोल रहे हैं कि 50 और यहाँ पे 50 से कम, 48-49 ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेट भी कम, ठीक है, और यहाँ पे जी भी कम। समझ में आ रहा है, लिख दिया हमने इस बात को। तो जी क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजिशन पे जी ज़्यादा होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे जी ज़्यादा होता है, पोल पे कम होता है। ओके, नाउ सेकंड जो बात है वो देखो ध्यान से, कि एट हाइट, अगर हम हाइट पे चले जाएं, मतलब मान लो ये अर्थ है और हम इतना ऊपर चले गए, तो देखो क्या हो गया, ये दूरी बढ़ गई ना। पहले जो अगर मैं यहाँ पे होता तो ये इतना सा होता, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो क्या हो गया, आर बढ़ गया, बढ़ रहा है आर। आपको पता है अगर आर बढ़ जाए बेटा, आर बढ़ जाए तो जी क्या हो जाएगा, जी कम हो जाएगा कि नहीं। तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो लिख देता हूँ यहाँ पे कि एज वी गो अप, मतलब हाइट, जी डिक्रीजेज, ऐसे साइन का मतलब क्या हो गया, जी डिक्रीज होगा। हाइट पे गए डिक्रीज होगा, पोल पे गए बढ़ जाएगा, इक्वेटर पे गए, इक्वेटोरियल लाइंस पे गए तो क्या हो गया, जी घट जाएगा। चलो ठीक है, ये सब हो गया दो पॉइंट। तीसरी बात मैं यहां पे लिखवा देता हूं। तीसरा जो है सी, एट डेप्थ, अगर हम डेप्थ पे जाएंगे ना तो भी जी की वैल्यू जो होगी ना वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसका डेरिवेशन तो अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, अदरवाइज मैं आपको डिराइव भी करके बताता कि ये डी पे मतलब डेप्थ पे जाएंगे, नीचे जाएंगे, अर्थ के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, उस समय भी ग्रेविटी की का जो वैल्यू है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऊपर गया डिक्रीज, नीचे गया डिक्रीज, सबसे ज़्यादा बढ़िया कहाँ है, सरफेस पे, और सरफेस पे भी सबसे बढ़िया कहाँ है, पोल पे, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए कि आप कहाँ रहेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगी, ठीक है, तो आप तो एक तो बोलोगे कि अर्थ सरफेस पे, ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है, कहाँ रहना है, सरफेस पे। सरफेस में भी कहाँ पे, पोल पे। इक्वेटर पे जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे भी कम हो जाएगी वैल्यू। तो ये था वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, स्मॉल जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये वेरिएशन हमने यहाँ पे तीन टर्म्स में देख लिए। ओके क्लियर है, कॉपी कर लो इस चीज़ को, जल्दी जल्दी जल्दी। तो अब हम लोग देख रहे हैं मास एंड वेट। देखो मास क्या होता है, मास और वेट ना हम लोग रफली जो है ना दोनों को एक ही समझते हैं, है ना। पूछते हैं हम किसी का वेट कितना है, हम बोल देते हैं केजी में, बट साइंस के हिसाब से ना दोनों अलग अलग चीज़ है, मास अलग वेट अलग, ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज़। अब देखो मास और वेट में डिफरेंस क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मास क्या होता है बेटा, कि मास को हम मेजर करते हैं केजी में,
और वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स होता है जिसको मेजर करते हैं किसमें, न्यूटन में। ठीक है, पहली बात यूनिट की बात चल रही है, यूनिट किसमें, यहाँ पे यूनिट क्या होता है इसमें। मास होता क्या है, लेकिन मास होता है कि द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इज कॉल्ड इट्स मास। कितना मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, कितना मैटर प्रेजेंट है। अब अगर मैं मान लो बोल रहा हूं कि देखो, मान लो ऐसे ले लिया हमने एक कटोरी में हमने ले लिया 10 बॉल्स, ठीक है, ऐसे 10 बॉल्स ले लिए, गिन के नहीं बना रहा हूं, बाद में कमेंट मत करना सर 10 नहीं है। तो हमने क्या किया, 10 बॉल ले लिया। अब हम इसको यूनिवर्स के कहीं पे भी लेके चले जाए, क्या 10 से 9 हो सकता है, नहीं, अगर गिरा नहीं दे तो क्या होगा, 10 के 10 रहेंगे, कहीं भी लेके जाऊं तो। मतलब ये जो मास है ये कांस्टेंट होता है, दिस इज कांस्टेंट एवरीवेयर। बट वेट क्या चीज है ना, वेट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mg, ठीक है, तो मास तो मान लो कांस्टेंट है, लेकिन जी अभी आपने देखा कि जी तो वैरी होता है, मतलब वेट जो है वो क्या हो सकता है, वैरी हो सकता है, ठीक है, वेट क्या हो सकता है, वैरी हो सकता है, कांस्टेंट नहीं होता है। अच्छा, वेट जो है ना एक फोर्स है, और फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका एक डायरेक्शन होता है। वेट किधर होता है, तो डाउनवर्ड, किधर एक्ट करता है वेट होता है एक्ट टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है। आपको पता है ना वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो किधर है वेट, किस तरफ वेट होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मार्कर है, ये मार्कर का वेट किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा क्या, नहीं, हमेशा क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। नीचे मतलब किधर, अर्थ के सेंटर की तरफ, समझ में आ रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ मतलब हमको दिखाई देता है कि वो नीचे है, उसको हम बोलते हैं अर्थ के सेंटर की तरफ, क्लियर है ये चीज। तो वेट मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, ये क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, यहाँ लिख देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी होता है। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मास किसी भी डायरेक्शन में, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे कटोरी में 10 बॉल थे, कटोरी में बॉल कुछ भी ले ले, मान ले कार्टून ले ले, ठीक है, कार्टून में 10 बॉल है, तो 10 बॉल है, तो कोई पूछेगा क्या किस डायरेक्शन में, अरे किस डायरेक्शन में क्या, एक कार्टून में बॉल है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन होता है, क्लियर है यहाँ तक। तो मास और वेट का, मास का मैंने आपको फॉर्मूला कहीं लिखवाया कि हाँ ये रहा, ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी। अब देखो हमारे पास एक सवाल है, सवाल है कि इफ अ पर्सन वेट 750 न्यूटन ऑन अर्थ, अर्थ पे वेट इसका कितना है, 750 न्यूटन है, ठीक है, यहां पे अपन सॉल्यूशन लिख रहे हैं। बोलता है कि उसका वेट जो है मून पे कितना होगा, ठीक है, मून पे गया है भाई घूमने, मून पे वेट कितना होगा, जबकि दिया हुआ है कि मास ऑफ मून जो है वो 1/81 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ है, और एक चीज़ दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ मून जो है वो 1/3.7 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, ये सब डेटा अपने को दिया हुआ है। बोलता है कि वेट कितना होगा उसी पर्सन का मून पे, क्लियर। अब सोचो कैसे होगा, मैं बोल रहा हूँ कि जी ऑफ अर्थ अपॉन जी ऑफ मून अपन निकाल रहे हैं, जी की वैल्यू याद है क्या है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यहाँ पे भी वही चीज़, जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूँ, याद आ रहा है कुछ, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या किया, दोनों का हमने लेके डिवाइड कर दिया। अब आप बताओ मुझे दोनों में क्या, मैं मास से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऊपर नीचे सेम चीज से। अब आप बताओ कि mg क्या होता है, वेट होता है कि नहीं, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन नीचे बन गया मून, gg कैंसिल कर दूं, आपको पता है अल्टरनेट पोजीशंस वाले कट जाते हैं, अल्टरनेट पोजीशन मतलब समझ में आ रहा है, वन का जो तीसरा है वो अल्टरनेट पोजीशन होता है, चलो ठीक है, क्या आ रहा है, एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई होकर ऊपर लिखाते हैं, मतलब मास ऑफ अर्थ और यहाँ क्या हो गया आर ऑफ मून, और यहाँ पे हो गया मास ऑफ मून, और यहाँ पे हो गया मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, सही चल रहा है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ अपने को दिया हुआ है 750, ये वाला अपने को नहीं पता, मास ऑफ अर्थ के बारे में क्या ख्याल है आपका बताइए, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून कितना हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, इसको देखो, इसको चल ठीक है, कोई नहीं अपन लिख लेते हैं, ठीक है, मास ऑफ अर्थ को मास ऑफ अर्थ ही जाने देता हूँ,
ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ के बारे, रेडियस ऑफ मून के बारे में क्या बोलूँ, ये वाला बोलूँ, 1/3.7 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ रहा है, मास ऑफ मून, मास ऑफ मून है 1/81 और इनटू क्या, एम ऑफ अर्थ, और इसका रेडियस कितना है अर्थ का, आर ई, दिख रहा है। क्या आप यहाँ से एम ई कैंसिल कर सकते हो, ठीक है यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ये हो गया 750, ये हो गया मास ऑन मून इज इक्वल टू एम ई कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से ये भी क्या था, स्क्वायर में था, है ना, ये स्क्वायर में था, तो आप देख रहे हो ये आ रही, और यहाँ का आ रही वाला जो पार्ट है पूरा गायब, ये स्क्वायर होगा, आप देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सट्रीम्स ऊपर लिखाएगा और यहाँ लिखाया जाएगा 3.7 का क्या, स्क्वायर। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हो, बताइए कैसे करें। तो मास ऑफ मून चाहिए अपने को, इसको इधर भेज देता हूँ, मास ऑफ मून नहीं, वेट ऑन मून, ठीक है, डब्ल्यू वेट ऑन मून कितना आ रहा है, यहाँ पे है 750 इंटू 3.7 का स्क्वायर अपॉन 81। ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, ये कैलकुलेशन अगर आप कर लोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर कि वेट ऑफ दैट बॉडी ऑन मून। क्लियर है ये चीज, कैलकुलेशन जम जाएगा ना, ठीक है बढ़िया। तो बस इसको कॉपी कीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हमारा जो टॉपिक है ना, ये है फ्री फॉल एंड वेटलेसनेस। अब देखो फ्री फॉल क्या होता है, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक बॉडी है जिसको हमने अलाउ किया कि भाई गिरो, नीचे गिरना है उसको, ठीक है, बिना कोई डिस्टर्बेंस के, मतलब बीच में मैं इसको ऐसा नहीं हो कि धागा से बांध के मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे गिरो, या हमने बोला यहाँ पे पैराशूट ले आओ भाई उसको धीरे धीरे गिरना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री फॉल मतलब आपने छोड़ा इसको, अब ये सीधा नीचे गिर रहा है बिना कोई रुकावट का। तो फ्री फॉल हम करवा रहे हैं, तो फ्री फॉल जब आप करवाएंगे तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस होंगे, जैसे कुछ आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बताइए मुझे कि ये 100 मीटर की हाइट की बिल्डिंग से गिरा है नीचे, ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें कि कितना समय में गिरा होगा नीचे, कितना समय लगेगा इसको आने में। तो जवाब है कि आपने देखो मोशन चैप्टर पढ़ा है 9th क्लास में, वहाँ पे आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू पढ़ा था आपने यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपने क्या पढ़ा था कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसी फॉर्मूला के जैसा ना हम यहाँ पे भी फॉर्मूला बनाने वाले हैं कि v इज इक्वल टू होगा u प्लस a के जगह पे कौन सा होगा, कौन सा एक्सलेशन है, कितना होगा g, समझ में आ रहा है, कौन सा एक्सलेशन है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा t। अगला है कि s इज इक्वल टू, s मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, हाइट है, तो मैं लिखूंगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये u है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, h मतलब हाइट, समझ में आ रही है बात। अब सोचो कि अगर मैंने बोला यहाँ से गिरना है इसको नीचे, तो इस समय में u कितना हो जाएगा, 0, पहले रुका हुआ था, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको फ्री फॉल करवा रहा हूँ तो यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, यही सवाल है अपना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएं, देखो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरे, ठीक है, क्या लिखना है आपको कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर आ रहा है बॉल तो आपको जी लेना है पॉजिटिव, लेकिन अगर बॉटम से टॉप जा रहा है, बॉटम टू टॉप अगर जाए बॉडी नीचे से ऊपर जाए तो आपको क्या लेना है, माइनस जी, ध्यान रहेगा ये चीज़, माइनस जी क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड जैसे आप मैंने नीचे से उसको ऊपर फेंका तो क्या होगा, उसकी स्पीड पहले बहुत ज़्यादा थी, फिर धीरे 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 कम होते 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 फाइनली यहाँ पे रुकेगा, फिर नीचे आएगा, तो फाइनली क्या हो रहा है, रुक जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है। जब भी स्पीड कम हो तो क्या होता है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सलेशन, और कौन सा एक्सलेशन है, तो जी वाला। तो समझ में आ गई आपको कि जब भी ऊपर कोई चीज़ मैं फेंकूँ तो आपको क्या समझना है कि जी क्या लेना है, माइनस में, और जब भी ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रहा है स्पीड उसकी बढ़ेगी तो आपको पता है कि जी कैसा लेना है, हमको पॉजिटिव लेना है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए यही सब बातें आपको याद रखनी थी, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये एक छोटा सा क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, s मतलब h है, तो h कितना है 100, s u कितना है 0, तो 0 इंटू टी 0 ही होने वाला है, हाफ g कितना है ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए प्लस 10 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ रहेगा कि आप अज्यूम कर लीजिए g की वैल्यू 10, या फिर कभी 9.8 भी रहा तो आप 9.8 ले लेना। अच्छा t यहाँ पे आपको नहीं पता, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये आता है 5, 5 से ये डिवाइड होके कितना हो जाएगा,
फाइव से होता है 20, सो क्या आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, सो टी इज इक्वल टू क्या आ गया 20, प्लस माइनस लिखते हैं हम लोग, लेकिन नेगेटिव क्या होता है, मतलब टी जो होता है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे एक ही आंसर लेते हैं जो कि है पॉजिटिव। अब रूट 20 की वैल्यू जो भी आती होगी, ठीक है, तो यही हमारा क्या है आंसर है, तो रूट 20 सेकेंड। बोलिए समझ में आता है ये चीज। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जितने आपने मोशन में पढ़ा था वहां पे। तो चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं यहां पे। हो गया। अब देखिए हमारे पास एक सवाल है, सवाल है कि एन ऑब्जेक्ट टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट। कोई प्लैनेट होगा जहां पे क्या हो रहा है कि उसको 5 मीटर की दूरी तय करनी है और उसमें उसको कितना टाइम लग जा रहा है, 5 सेकेंड लग जा रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे बॉल बना लिया, बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ कि एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जी 10 मत ले लेना, जी आपको कैलकुलेट करना है, किसी और प्लैनेट की बात चल रही है बेटा, यहाँ पे अर्थ की बात नहीं चल रही है। तो एस क्या हो गया 5, यू कितना है, ऊपर से नीचे ड्रॉप हुआ है तो क्या हो जाएगा 0, प्लस हाफ जी, अपने को नहीं पता कौन सा जी है, ये प्लैनेट किसी और प्लैनेट का है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, यहाँ पे आता है 25 इज इक्वल टू जी किसी प्लैनेट का, मान लो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे आ जाएगा 100, यहाँ पे आता है 40, यहाँ पे आ गया 100। ठीक है, ये कैलकुलेशन का तरीका है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। हमारा आंसर आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हो किसी और प्लैनेट का ये जी है, इसलिए ये 10 ना आके कितना आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है ये चीज। चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब आपके बुक का 5th का D है ये। ठीक है, तो ये क्या है, बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, हमने एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया ऊपर की तरफ फेंका, कुछ वेलोसिटी दिया होगा, मान लीजिए वो वेलोसिटी यू है, वो क्या कर रहा है फाइनली ऊपर में पहुंच जा रहा है, कितनी हाइट पे, तो जवाब है 500 मीटर पे पहुंच गया। बोलता है कि व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं, मुझे बताओ कि ऊपर जाके क्या हो गया, रुक गया है, ऊपर जाके क्या होगा, रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो पहले क्या हमने बोला कि ऊपर जाके रुक गया है, कितना ऊपर जाके 500 मीटर। तो यहां से लगा लेते हैं फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू, या ये लगा लो फॉर्मूला कौन सा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, याद है फाइनली तो रुक गया है, तो 0 का स्क्वायर लिख देता हूँ, चलो यू हमें नहीं पता और जी क्या लें बताओ, प्लस कि माइनस, माइनस 10 ऊपर जा रहा है माइनस, जी कितना है, जी है 500। क्या आप यहाँ से यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 × 10 और 3 0 ऑलरेडी यहाँ पे हैं। ठीक है, सो यू इज इक्वल टू, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस कैंसिल, यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 10,000, और यहां से यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 100 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है, रूट निकाला है हमने, तो 10,000 का रूट क्या होता है 100 होता है। क्लियर, आसान आसान से सवाल है, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा आपसे। चलो कॉपी कर लो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया कॉपी। वन टू थ्री, चलो मिटाता हूँ मैं। अच्छा, मिटाने से पहले देखो एक चीज़ कि आपसे एक और चीज़ पूछा है, बोलता है कितना समय लगेगा, तो समय निकाल लेते हैं। मुझे बताओ कि जाने में कितना समय लगेगा, पहले तो हमने लिखा कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80, जी लिख देना यहाँ पे ए की जगह पे, v कितना है, v जो 0 है, u कितना है, u हमने निकाला है 100। ठीक है, और यहाँ पे g कितना आ गया माइनस 10, टी यहाँ से निकल जाएगा, बताओ कितना आ गया, टी की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड। अगर जाने में लगा है 10 सेकेंड ना, तो आने में भी लगेगा 10 सेकेंड। ठीक है, ये जाने का समय है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टू रिटर्न बैक, आपसे पूछा ना टोटल टाइम टू रिटर्न बैक, तो कितना हो जाएगा 10 + 10, आंसर इज 20 सेकेंड। बोलो समझ में आता है ये चीज़, कि टाइम निकालना आसान था, आपसे पूछा यू, यू भी आसान है। चलो ठीक है, कर लो कॉपी इसको जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल जो है ये क्या बोलता है कि अ बॉल फॉल ऑफ अ टेबल, मान लो ये टेबल है, ठीक है ये बढ़िया डिजाइन वाला टेबल ये ले, ठीक है ये डिजाइन वाला टेबल बना दिया मैंने, हाँ तो बोलता है यहाँ से क्या हो रहा है, एक बॉल ऐसे नीचे गिर गया,
कितना टाइम लगा उसको गिरने में, बोलता है 1 सेकेंड लगा है। और जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलता है कि कैलकुलेट स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे हिट कर रहा होगा या पहुंच रहा होगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी। और बोलता है हाइट ऑफ टेबल भी बता दीजिए। तो मान लीजिए हाइट ऑफ टेबल को h बोल देता हूँ, u कितना है, गिरा है तो u जीरो होगा, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो यहाँ से क्या आप निकाल सकते हो कि v कितनी होगी, v इज इक्वल टू होगा u प्लस gt। ऊपर से नीचे गिर जाए तो g क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा 10 और टाइम है 1। सो v की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है पहला। सेकेंड आपसे पूछता है कि हाइट क्या थी, तो हाइट भी आप निकाल लो। देखो बहुत सारे फॉर्मूले, s इज इक्वल टू लगा देते हैं, s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना है, जीरो, हाफ जी है कितना, 10, टाइम कितना है, टाइम है 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है। चलो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से आता है 5, आंसर इज 5 मीटर। 5 मीटर हाइट वाला ये टेबल था, वहाँ से क्या हो गया, वहाँ से बॉल गिरा था। आसान है, बहुत आसान है, 9th में आपने बहुत पढ़ाया होगा ये चीज़, नहीं पढ़ाया तो अब क्या कर सकते हो, सॉल्व करो हमारे साथ, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया, और भी हम लोग बहुत कई क्वेश्चन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ और यहीं पे अपना ये वाला पार्ट तो कंप्लीट होगा, फ्री फॉलिंग वाला। उसके बाद वेटलेसनेस एक बचता है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, हो गया। चलो अब मैं आपको देता हूं कि एक सवाल, एक बढ़िया सवाल लेता है, ठीक है। क्या हुआ कि हमने यहां पे एक 100 मीटर की हाइट से हमने एक बॉल को ऊपर फेंका, ठीक है, ऊपर ऐसे फेंका। अब ये बॉल जाएगा और नीचे ऐसे गिरेगा, मतलब ऐसे जाएगा और ऐसे नीचे गिरेगा। बोलता है कितना टाइम लगेगा टोटल हवा में, ये कितना देर तक बॉल है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि ये इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड से हमने इस बॉल को क्या किया था, फेंका था, और ये हाइट कितनी है, 100 मीटर। चलिए तो बोलता है कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना देर वो हवा में रहा, यही सवाल है। कैसे करें सॉल्व इसको, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि ये कितना ऊपर जाएगा। तो मुझे बताओ जब ऊपर पहुँचा होगा यहाँ पे, जब वो नीचे गिरने के लिए टर्न लिया समझो, तो तब तक में मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, यू हमको पता है 10 है। तो क्या आप यहाँ से हाइट निकाल सकते हो, जवाब है हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगा देते हैं, फाइनली जीरो, तो जीरो का स्क्वायर, ये हो गया 10 का स्क्वायर, 2 ऊपर फेंक रहे हैं इसलिए -10, और हाइट हमको नहीं पता, ये वाला हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी है हाइट वो तो हमको नहीं पता। तो यहाँ से अपने को h मिल जाएगा, ये हो जाता है 100 डिवाइडेड बाई 20, ये हो गया h, मतलब 5 मीटर ऊपर जाएगा, ठीक है, 5 मीटर ऊपर गया, ओके। अब सोचो कि 5 मीटर ऊपर गया तो अब उसको ऊपर से नीचे भी आना है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में पहले समय कितना लगा है, तो मैं बोल रहा हूँ टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कैसे मिलेगा, टाइम के लिए फॉर्मूला लगा लो, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी है ऊपर जाके जीरो, u है आपको पता 10, यहाँ पे माइनस ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है निगेटिव साइन लेना है क्योंकि ऊपर भेज रहे हो। टाइम हमको नहीं पता तो टाइम इज इक्वल टू आ गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड लगा इसको क्या करने में, ऊपर जाने में, ऊपर पहुंच गया। अब इसकी हाइट कितनी हो गई, 105, यहाँ पे पहुंचने के बाद 105 मीटर से उसको नीचे गिरना है। चलो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि 105 मीटर से जब वो नीचे आए तो उसको कितना समय लगेगा नीचे पहुंचने में। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला लगा दें कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस बार वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, टाइम हमको नहीं पता, u जीरो है तो t भी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही होगा, ये है 105। तो ये हो गया 210 और डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, सो कितना आ गया, रूट ऑफ 21, रूट ऑफ 21 कितना आता होगा, 4.8 के आसपास में आता होगा सेकेंड। टी की वैल्यू ये है रिटर्न वाला, ये है जाने वाला, तो टोटल टाइम कितना आ गया, यहाँ लिखता हूँ, टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 प्लस 4.8, आंसर इज 5.8, कितना सेकेंड, 5.8 सेकेंड तक बॉल हवे में रही, समझ में आ रहा है। अब इसमें बहुत चीज़ पूछ सकते थे, मान लो हमसे पूछ सकते थे कि इसी में पार्ट वाइज की सब, ये कितना ऊपर पहले पहुंचेगा, वो तो आपने निकाल लिया है। फिर आपसे मान लो पूछ रहा है कि जब वो नीचे यहाँ पहुंचेगा, गिरेगा, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे।
सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट यहां पे लिख देता हूं कि फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट द ग्राउंड। किस वेलोसिटी से ये हिट करेगा ग्राउंड को। चलो सॉल्व करते हैं यहां पे। तो हम बोल रहे हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस कौन सा ले लोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, इससे बात बनेगी, इससे भी बन सकती है, किसी को भी लो। मैं ये यूज कर रहा हूँ ये वाला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। बताइए u कितना है, जीरो, टू ऊपर से नीचे गिरा इसलिए 10 प्लस लिया आपने, हाइट कितनी है 105, यहाँ से क्या आ गया वी स्क्वायर की वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 210 और एक जीरो यहाँ पे, ठीक है। सो वी इज इक्वल टू आ जाएगा 10 √21। रूट 21 की वैल्यू कितनी आती होगी, 5 या 25, 4 या 16, लगभग 4.6 के आसपास। तो मान लो यहाँ पे 4.6 लिया, 4.6 इंटू 10 क्या होता है 46 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये अप्रॉक्स ले लिया है मैंने, रूट 21 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है कैलकुलेटर में आप करो, कैलकुलेट करके देखना लगभग इतना ही आएगा, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ तक तो न्यूमेरिकल वाला जोन अपना हो गया कंप्लीट। अब एक बचता है वेटलेसनेस, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, मैं आपको वो भी बताता हूँ वेटलेसनेस क्या होती है। चलो हो गया कॉपी, करो करो करो, रोक के आप कॉपी करो। अब अपना पार्ट है कि वेटलेसनेस क्या होता है, देखो समझो, वेटलेसनेस मतलब मासहीन है ना, नहीं मास तो अलग चीज है। सोचो कि अब मैं बोल रहा हूं कि वेटलेसनेस क्या होती है, ठीक है, गलत तो हो गया क्या, अच्छा वेट लेसनेस, ठीक है, मतलब वेट का जीरो हो जाना, वेट का जीरो हो जाना। वेट का जीरो हो जाना कब होगा, जवाब है कि जब एक बॉडी, जब एक बॉडी क्या हो रहा है फ्रीली फॉल कर रहा है, यहां से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होता है, आर वेटलेसनेस, वेटलेस। फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होता है ना वो वेटलेस होता है। एक डायग्राम हम लोग बनाया हुआ होता है, देखो मैं भी यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये है अपना वेइंग मशीन, ठीक है, और यहां पे हमने एक मास लटका दिया। जब हमने मास लटकाया तो हमको रीडिंग दिख रही थी, मान लो यहां पे 5 दिख रहा होगा, कुछ 5 न्यूटन का हमको यहाँ पे रीडिंग दे रहा था। जनरली क्या होता है ना कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कि उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, हम लोग को दिखाने के लिए कि हम लोग तो यूज टू किस में होते हैं, केजी में होते हैं। तो वेइंग मशीन में ना केजी लिखा होता है, बट एक्चुअली वो क्या मेजर कर रहा होता है, मास नहीं, क्या मेजर कर रहा होता है, वेट मेजर कर रहा होता है। जब हम इसको होल्ड करके रखे थे यहाँ पे, ठीक है, ये अपनी हाथ है, होल्ड करके रखा मैंने तो दिख रहा था हमको 5, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ दिया, देखो यहाँ से इसको हटा दिया, तो ये क्या होगा, ये गिरने लग जाएगा, और जब गिरने लग जाएगा तब इसकी रीडिंग बताओ नेचुरली कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी, मतलब जीरो पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से ना डायग्राम में इस चीज़ को समझाते हैं, हमने भी आपको यहाँ पे बता दिया कि फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी होता है उसका वेट कितना होता है, जीरो। देखो रीडिंग दिख रहा है हमको जीरो, जब हम होल्ड किए हुए थे तब इसकी रीडिंग कितनी थी, इसकी रीडिंग थी 5, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो वेटलेसनेस क्या होता है कि फ्रीली फॉलिंग अगर बॉडी है, फ्रीली फॉलिंग का मतलब समझ में आ रहा है, बिना डिस्टर्बेंस का, मतलब पैरासूट से नहीं कूदा देना है उसको, ठीक है, आपको उसको फ्रीली गिरने के लिए अलाउ करना है। उस समय में उसका वजन कितना होगा, उस समय में उसका वजन हो जाएगा आपका जीरो, मतलब आप जो है 100 किलो का चीज को आप गिरते हुए में उठा सकते हो। ये कैसी बात है, मान लो ये गिर रहा है ऐसे, ठीक है, गिर रहा है, आप बोलते हो इसको खींच के ले आएंगे, ले आओ, वेटलेस है वो, ठीक है। सो यही तक था ये लेक्चर आज का। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्कस करेंगे,